आपका अपने चैनल पर आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर बिहार के चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होने के साथ ही तीसरे चरण को लेकर लगातार नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे चुकी ये पार्टी ने किया है बड़ा ऐलान, तेजस्वी यादव के समर्थन देने की बात कही है। दोस्तों क्या कुछ है पूरी खबर आपको बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले दूसरे चरण के अंदर महागठबंधन को कितनी सीटें मिली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और तीसरे चरण की 78 सीटों में से कितनी सीटें महागठबंधन के खाते में जाने वाली है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपको बता दे कि इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर बिल्कुल करिएगा दोस्तों, ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंचे। बता दे आपको कि पहली और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग कल यानी बीते दिन समाप्त हो चुकी है। अंतिम चरण के अंदर 7 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे, और ऐसे में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन का सीधा मुकाबला आरजेडी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन से है। वहीं पर तीसरे चरण की 78 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के बीच के मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल को आसानी से जीत मिलती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही शिवसेना, जो हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए है, उसने बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर पानी पिला रखा है। और ऐसा ही एक बड़ा ऐलान महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की ओर से किया गया है, जहां पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि वह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। खुले तौर पर उन्होंने समर्थन का ऐलान कर दिया है, और ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना ने जबरदस्त पटकनी दी थी, जब शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था, जिसके बाद तकरीबन 1.5 साल से लगातार सरकार चलाई जा रही है। लेकिन बीजेपी की तमाम कोशिश के बाद भी महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का गठबंधन चल रहा है, और ऐसे में शिवसेना की ओर से तेजस्वी यादव का समर्थन किया गया है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर हाल फिलहाल में तथाकथित पत्रकार अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र सरकार ने सीधा संदेश उन सभी को दिया है जो गोदी मीडिया का काम करते हैं, और ऐसे में जैसे ही अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, बीजेपी के नेता रोड पर आ गए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध किया है। यहां तक कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट करते हुए पूरे प्रकरण को लेकर अपनी राय दी है। दोस्तों आप लोग का क्या कुछ मानना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि गोंडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां पर वह एलजेपी के नेता को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले आ रही इस बड़ी जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते राज्य के अंदर सियासत गर्म हो गई है। गोंडा के सांसद का ऑडियो खुद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर जारी किया है। इस ऑडियो में निशिकांत एलजेपी नेता को मारने की धमकी दे रहे हैं। वायरल ऑडियो के अंदर निशिकांत कह रहे हैं कि राजेश वर्मा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो वे उन्हें बर्बाद कर देंगे। बीजेपी के सांसद ने आगे यह भी कहा कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, सोना चांदी बेचते बेचते राजेश नेतागिरी करने लगे, हमको शाहनवाज हुसैन और अश्वनी चौबे ना समझा जाए। इस तरह से उन्होंने जबरदस्त निशाना साधा है। आपको बता दे कि भागलपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेंधमारी के लिए जेडीयू ने अपने नेताओं को उतारा था, और एलजेपी भी वोट काटने के लिए जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव दिखाई दे रही है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो 4 नवंबर को कांग्रेस पार्टी ने टीवी के पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर सरकार एवं भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधते हुए इसकी निंदा की है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अर्णव गोस्वामी का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अर्णव गोस्वामी एक पत्रकार होने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि 2 साल पुराने मामले में उन पर आरोप है कि उन्होंने आत्महत्या के लिए 2 लोगों को उकसाया था, और उनका सुसाइड नोट्स भी मुंबई पुलिस के पास है। कुल मिलाकर अर्णव गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ गई है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि होम मिनिस्टर अमित शाह की ओर से भी बयान सामने आया है। आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो बिहार के विधानसभा चुनाव के अंदर राहुल गांधी की ओर से कई सारी रैलियां की गई है। इस रैलियों के अंदर उन्होंने मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी वोटिंग मशीन इस बार काम नहीं करेगा, इस बार महागठबंधन की जीत प्रचंड बहुमत से होने जा रही है और महागठबंधन सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि किशनगंज के अंदर रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में दोस्तों आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है बताइएगा जरूर, और चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि गलवान के अंदर झड़प के बाद चीनी सैनिकों ने नेपाल के अंदर 150 हेक्टेयर जमीन को हड़प लिया है और सैन्य ठिकाने भी बना रहा है, जिसके बाद भारत सरकार को और अलर्ट होना चाहिए और कम से कम नेपाल के साथ संबंधों को और मजबूत करके चाइना को नेपाल से घुसने से रोका जाए। लेकिन मोदी सरकार के शासनकाल में भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध काफी बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो या फिर भूटान हो, सभी देशों के साथ भारत के संबंध खराब हुए हैं। और इसी संदर्भ में ये बड़ी जानकारी है, जहां पर नेपाल के अंदर चाइना लगातार घुसपैठ कर रहा है, लेकिन नेपाल जवाब देने में पूरी तरह से असक्षम है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों नेपाल की स्थिति के कारण भारत की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि नेपाल
नेपाल का एक बड़ा बॉर्डर भारत से लगता है और ऐसे में नेपाल के अंदर किसी भी तरह की गतिविधियां भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए नेपाल के खिलाफ या तो एक्शन लिया जाना चाहिए या फिर उसे आसानी से समझाकर अपने साइड में लाना चाहिए, जिस तरह से 2014 से पहले का माहौल था। एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो अब तीसरे चरण के अंदर वोटिंग होने वाला है, जिसमें 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 1208 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इस चरण में एनडीए की साख दांव पर है। यहां जेडीयू को सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था और आरजेडी यहां सबसे ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं पर पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। कुल मिलाकर इस पूरे फेज के अंदर इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। और एक और अपडेट की आपको बता दें कि केंद्र के खिलाफ धरना देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ लगाए हैं गंभीर आरोप और इसी के साथ धरना भी दिया है। हम आपको बता दें कि इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय कृषि विधेयक को लेकर विरोध लगातार जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पंजाब के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों के साथ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में धरना दिया गया। धरना राज्य के अंदर कृषि विधेयकों को मंजूरी न देने को लेकर बिल पास होने के बाद अब ये विरोध किया गया है। कुल मिलाकर ये धरना इस समय में सामने आया है, जहां पर धारा 144 लगाकर राज्य के अंदर रोजमर्रा की चीजें बड़ी मुश्किल से मिल रही है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार प्रदेश के अंदर जरूरत के सामानों को भेज नहीं रही है। और एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर जेडीयू के एमएलसी दिनेश कुमार सिंह निलंबित किए गए हैं। बेटी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं पर धमकी देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आज तक 5 दर्जन से अधिक विधायकों को और पार्टी के नेताओं को जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी से बाहर कर इस रास्ता दिखाया है। इसी कड़ी में अभी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पार्टी के दिग्गज नेता दिनेश प्रसाद सिंह को पार्टी ने तत्काल रूप से पार्टी से निलंबित किया है। प्रदेश के अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक प्रदेश के महासचिव डॉक्टर नवीन कुमार आर्य ने निलंबित के आदेश को जारी किया है। उससे स्पष्टता ये मिली है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर कई सारे नेता हैं जो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, और कई तो ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के इतर अपने परिवार से लड़ रहे चुनाव जो भी व्यक्ति हैं उनके समर्थन में उतर गए हैं। और इसी तरह का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाला है, जो साफ इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंदर नेताओं का गुस्सा लगातार जारी है और पार्टी विरोधी गतिविधियां बड़े स्तर पर इन पार्टियों के अंदर चल रही है। एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। गहलोत ने लिखा है कि सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। यह सबके सामने है कि किस प्रकार से खरीद फरोख्त होती है। यह वीडियो गुजरात के विधानसभा उपचुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ मामला है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि पूर्व सांसद सोमा भाई पटेल का यह वीडियो है। इसके जरिए भाजपा कांग्रेस के विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए देकर पार्टी में शामिल कराना चाहती है और कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। एक और जानकारी की माने तो अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके द्वारा हाथरस के अंदर मीडिया की एंट्री पर बैन लगाए जाने के दिन याद दिलाए हैं। और इस तरह से कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास नैतिकता नहीं है कि वह ऐसे मामले यानी अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले पर बयान दे, क्योंकि ऐसा ही तो वो खुद अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में करते हैं। और एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर कंगना रनावत की बड़ी मुश्किल जावेद अख्तर ने किया है मानहानि का केस। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सिंगर जावेद अख्तर ने एक्ट्रेस कंगना रनावत पर मुंबई की एक अदालत के अंदर मानहानि का मुकदमा किया है। इस शिकायत में कहा गया कि कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस के मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए उनकी छवि पर झूठे आरोप लगाए हैं, इससे उनकी छवि खराब हुई है। मंगलवार को शिवसेना के सांसद और संजय राउत ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत पर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने नेशनल और इंटरनेशनल टेलीविजन पर उनको आपत्तिजनक बयानबाजी करने को लेकर आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है और इस पूरे मामले पर अदालत अपनी कार्रवाई करेगा। एक और जानकारी तरफ रुख करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा के निर्वाचन को लेकर चुनौती देने वाले बीएसएफ के जवान ने एक बार फिर से मोदी सरकार को कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल दोस्तों, तेज बहादुर सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कहा कि उनका नामांकन खारिज होना गलत है, इसलिए वाराणसी के लोकसभा चुनाव को रद्द किया जाए और दोबारा से चुनाव होना चाहिए। 16 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट में उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति को है जिसने चुनाव लड़ा है। तेज बहादुर ने चुनाव लड़ना चाहा था, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया। और एक और जानकारी की माने तो तेजस्वी यादव की रैली की भीड़ दिखाने को 360 डिग्री घुमाना पड़ता है कैमरा। कैमरा यानी बीजेपी के नेताओं की रैली में ज्यादातर लोग सामने बैठे रहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की रैली में लोग सामने तो पूरा भरा रहता है। इसके साथ ही उनके दाएं बाएं और पीछे मंच के भी लोगों को दिखाना पड़ता है कि कितना समर्थन आ रहा है। आपको बताते चले कि लगातार तेजस्वी यादव की रैली में इस तरह से जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए अब प्रदेश के अंदर सरकार बनाना दूर की कौड़ी दिखाई देने लगा है। एक और जानकारी
अधिकारी की माने तो भारत माता की जय वाले बयान पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत माता की जय वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई है, जहां पर मीडिया से बात करते हुए राजद के नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि हमने पहले चरण के अंदर जो लहर देखी है वो दूसरे चरण के अंदर जारी है, लेकिन यह यकीन है कि महागठबंधन कम से कम 65 सीटें दूसरे चरण के अंदर जीतने जा रहा है। हम पहले ही बहुमत के निशान को छू चुके हैं, अगले चरण के अंदर और वृद्धि होगी। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं जो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल चुकी है। एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। इससे जुड़ी हुई एक खबर के अनुसार इसमें एक मतदाता का दावा है कि वोटिंग के दौरान एक गांव के अंदर बूथ में भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए कहा गया, यानी वहां पर जो लोग सर्विस में लगाए गए हैं वो लोग भी बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर कानून के खिलाफ है, और ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई की रिक्वेस्ट की गई है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में सीएम नीतीश कुमार पर प्याज फेंकने के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने इसकी निंदा की है, कहा प्रतिरोध सिर्फ मतदान से होना चाहिए, और इसी के साथ उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि युवा इस बार नाराज है और प्रतिशोध लेने के लिए मतदान में वोट डाला जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही थी जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको भी ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप किस तरह की खबरें चाहते हैं। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।